स्टार दिनेश लाल यादव निरहुआ आजमगढ़ में फिल्मी स्टाइल की तरह चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं। भोजपुरी फिल्मों से ही नाम कमाने वाले निरहुआ अपने चुनाव प्रचार में भी जमकर फिल्मी तड़का लगा रहे हैं। उनकी रैलियों में जहां निरहुआ हिंदुस्तानी के नारे लग रहे हैं, तो वहीं बच्चे भी निरहुआ रिक्शा वाला गुनगुना रहे हैं। भोजपुरिया सिनेमा में गदर मचाने वाले निरहुआ के चुनाव प्रचार पर अगर आप गौर करेंगे तो देखेंगे कि आजकल उनके गले में भगवा गमछा या शरीर पर भगवा लिबास जरूर दिखता है, चाहे वो किसी भी रैली में हो या जनसभा में हो। टिकट मिलने के बाद गुरु का आशीर्वाद लेने निरहुआ बनारस के गढ़वा घाट आश्रम में भगवा गमछे के साथ ही गए थे। बनारस के ही कीनाराम बाबा से आशीर्वाद लेने पहुंचे तो गले में भगवा गमछा दिखा। बनारस के बाबा विश्वनाथ धाम में भी भगवा गमछे के साथ मत्था टेकने पहुंचे निरहुआ। टिकट मिलने के बाद पहली बार आजमगढ़ पहुंचे निरहुआ के सिर पर भगवा बंधा दिखा। आजमगढ़ से चार बार सांसद रहे रमाकांत यादव से मिलने भी निरहुआ भगवा गमछे के साथ गए। जनसभा में भी गले में भगवा गमछा डालकर भाषण देते नजर आए निरहुआ। मुस्लिम महिलाओं से मुलाकात के दौरान भी गले में भगवा गमछा नजर आया। हनुमान जयंती पर शुभकामनाएं देते वक्त भी निरहुआ के गले में भगवा दिखा। हाल ही में निरहुआ ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीर में दिखे, उसमें भी वो भगवा पहने दिखे। निरहुआ और भगवा गमछे का तो जैसे गठबंधन सा हो गया है। वो हर मौके पर, हर जनसभाओं में, हर सियासी कार्यक्रम में भगवा के साथ नजर आ रहे हैं। हाल ही में निरहुआ ने ट्विटर पर एक तस्वीर पोस्ट की है जिसमें वो गले में भगवा डाले दिख रहे हैं। हालांकि निरहुआ ने उसे केसरी कहा। माना जा रहा है कि उन्होंने केसरी नाम अक्षय कुमार की हाल ही में रिलीज हुई केसरी फिल्म की तर्ज पर कहा है, जो फिल्म सारागढ़ी के युद्ध पर बनी है। यानी चुनावी जनसभाओं में निरहुआ की पहचान बन गए भगवा गमछे के दो मायने निकाले जा रहे हैं। एक तरफ वो हिंदुत्व का संदेश देते नजर आ रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर कभी गले में गमछा तो कभी सिर पर गमछा बांधे निरहुआ किसान के बेटे के तौर पर भी नजर आ रहे हैं। तो एक तरफ निरहुआ भगवा को सिर पर बांध कर हिंदुत्व का मान बढ़ा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव का महागठबंधन हिंदू और हिंदुत्व की बात करने से भी कतरा रहा है। अखिलेश की हाथी वाली साथी मायावती का वो बयान कौन भूल सकता है, जब वो सहारनपुर की रैली में खुलेआम मुस्लिमों का वोट मांग रही थी। उस मंच पर अखिलेश यादव भी मौजूद थे, जो आजमगढ़ में पिता मुलायम की सीट बचाने आए हैं। मगर अखिलेश ने ना तो मायावती को मुस्लिमों से वोट मांगने की अपील करने से रोका और ना ही उसके बाद किसी रैली में मायावती के बयान की निंदा की। यानी कहीं ना कहीं अखिलेश भी मायावती के मुस्लिम वोट मांगने वाले बयान का समर्थन करते नजर आए। मगर चुनाव आयोग ने मायावती को नहीं बख्शा और चुनाव प्रचार करने पर 48 घंटे की रोक लगा दी थी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा और आज मेरे साथ मौजूद है एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने बतौर अभिनेता, निर्माता और साथ में बतौर गायक भोजपुरी फिल्मों में नाम कमाया है। जी हाँ, हमारे साथ मौजूद है भोजपुरी स्टार कहें या जुबली स्टार कहें दिनेश लाल यादव निरहुआ जी, जो कि इस बार अखिलेश यादव के खिलाफ आजमगढ़ से चुनावी ताल ठोक चुके हैं। लेकिन मोदी विरोधियों को शिकस्त दे पाएंगे या नहीं और क्या इनकी आगे की रणनीति है, अब आइए इनसे बातचीत करते हैं। सर, सबसे पहले तो NMF न्यूज़ में आपका स्वागत है। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपका न्यूज़ देखता हूँ, बहुत अच्छा लगता है मुझे और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैं आज आपके साथ इंटरव्यू कर रहा हूँ। सर, मैं सबसे पहले यही जानना चाहती हूँ, सर पार्टी आला कमान जी अमित शाह ने आप पे भरोसा जताया है, आपको आजमगढ़ से चुनावी मैदान में उतारा है, तो क्या आप उनके भरोसे को जीत में तब्दील कर पाएंगे? जी बिल्कुल कर पाएंगे। और ये पहले ही दिन जब मैं आजमगढ़ आया तो पूरे आजमगढ़ ने बता दिया, पूरे हिंदुस्तान को बता दिया कि उनका मिजाज क्या है, वो चाहते क्या है। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं, विरोधी हैं, जो ये कह रहे हैं कि जो 70 किलोमीटर तक रोड पे लोग खड़े थे वो खाली निरहुआ को देखने आए थे, पर उन लोगों ने शायद ध्यान से देखा नहीं वो सारे वीडियो क्लिप्स जिसमें जो लोग भी खड़े थे और वो हमारे साथ चलने वाले नहीं थे। वो तो मैं शूटिंग कर रहा था बनारस में और मैंने
ये अनाउंस कर दिया कि मैं कल जो है आ रहा हूँ आजमगढ़। और जब मैं आजमगढ़ में घुसा, अपने गांव बॉर्डर पे ही मेरा घर है, तो आजमगढ़ में जैसे मैं घुसा वैसे लोग जो स्वागत करना शुरू किए और लोग जो खड़े होके नारे लगा रहे थे, वो निरहुआ निरहुआ नहीं कर रहे थे, वो मोदी मोदी कर रहे थे। मतलब आजमगढ़ को भी पूरे देश की तरह मोदी जी चाहिए, ये बता रही थी आजमगढ़ की जनता। तो मुझे लगता है कि मुझ पे जो भरोसा करके उन्होंने भेजा है, मैं उन पे भरोसा कर रहा हूँ। और मैं उनको ये कहना चाह रहा हूँ कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने इतना अच्छा काम किया, आज मैं गांव-गांव में घूम रहा हूँ, लोगों से मिल रहा हूँ, शहरों में भी घूम रहा हूँ, सब जगह जा रहा हूँ, तो लोग बता रहे हैं कि जो काम प्रधानमंत्री जी ने अपने कार्यकाल में किया है, 5 साल में जो काम किया है, वो लाभ जनता तक पहुंचा है, लोगों के घरों तक पहुंचा है। ये कारण है कि आजमगढ़ भी चाहता है कि नरेंद्र मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री। देखिए सर, एक सवाल ये भी उठता है कि 91 में एक ही बार आजमगढ़ में कमल खिला था, तब से लेकर अभी तक सपा बसपा का एक गढ़ रहा है जो कि ये समाजवादी पार्टी का गढ़ रहा है। तो आप, मैंने देखा कि आप चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं, गांव-गांव घूम रहे हैं, आप जमीनी स्तर पे देख रहे हैं आप लोगों को, लेकिन मैं ये जानना चाहती हूँ कि आपको क्या दिखा कि ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जिसके चलते आपको कहीं ना कहीं भी लगता है कि आजमगढ़ विकास की धारा से अभी भी अछूता है। बहुत अछूता है। अब जब मैं निकलता हूँ, गाँव में जाता हूँ, तो आजमगढ़ को इस बात का आभास हो रहा है कि उन्होंने यहाँ से एक विधानसभा छोड़ के बाकी 9 विधानसभा पे समाजवादी पार्टी के लोगों को जिताया, विधायक बनाया, पर उसका अंजाम क्या हुआ है? न कोई सड़क बन रही है, न कोई काम हो रहा है, कुछ भी नहीं वो कर पा रहे हैं, ना वो कर रहे हैं। दूसरी बात, यहाँ से उन्होंने सांसद चुना नेताजी को, माननीय मुलायम सिंह यादव जी को, अब वो यहाँ से सांसद बने गए और फिर दिखे ही नहीं। आजमगढ़ वो अपना प्रमाण पत्र तक लेने नहीं आए, ये यहाँ की जनता ही बताई मुझे। तो मुझे लगता है कि आजमगढ़ की जनता इस बात को समझ चुकी है, जान चुकी है कि हम इमोशन में आके इनको चुन तो लेते हैं, पर ये इमोशन उनके अंदर नहीं है। उनके अंदर भी अगर वो प्यार होता तो फिर बात बनती। जैसे ये समाजवादी पार्टी के लोग ये बात कहते हैं कि आजमगढ़ उनका गढ़ है, मैं भी मानता हूँ कि आजमगढ़ आपका गढ़ है, आजमगढ़ के लोग आपको प्यार करते हैं, पर आप क्यों नहीं उनसे प्यार करते हैं? सवाल ये है कि ये जनता जान चुकी कि हम तो भाई उन पे भरोसा करते हैं, पर वो हमें वो प्यार नहीं दिखाते हैं। क्योंकि जब अखिलेश यादव जी ने ये कहा कि वो प्रधानमंत्री की रेस से बाहर हैं, मतलब आपको पता है कि आप प्रधानमंत्री बनने वाले नहीं हैं, फिर भी आप आ रहे हैं अपने उन्हीं 9 विधायकों की तरह यहाँ के सांसद बनने, और फिर ये राग अलापने कि हमारी सरकार नहीं है तो हम क्या करें। तो आपको तो अभी पता है कि सरकार नहीं है, मतलब आप कुछ नहीं करने वाले हैं आजमगढ़ के लिए। तो जो आजमगढ़ के लिए करने वाले हैं आप उनको करने दीजिए। इस मामले में तो बहन जी बहुत समझदारी का काम किया उन्होंने, वो तो चुनाव लड़ ही नहीं रही हैं, उनको पता है उनकी सरकार नहीं बनने वाली है, अगर वो कहीं से चुनाव लड़ेंगी तो वहाँ के लिए करेंगी क्या? कुछ कर नहीं पाएंगी। तो ये बात अखिलेश भैया को भी समझना चाहिए कि जब यहाँ के लोग आपको इतना प्यार करते हैं, आप ये कहते हैं कि ये आपका घर है, तो आप इन लोगों को क्यों पीछे ढकेलने के लिए आ रहे हैं? इनको मुख्य धारा से जुड़ने क्यों नहीं दे रहे हैं? कि अब पूरा देश जानता है कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार बन रही है, और नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनेगी, और नरेंद्र मोदी जी के साथ जब आजमगढ़ के लोग भी खड़े होंगे तो निश्चित रूप से आजमगढ़ का बहुत तेज़ी से विकास होगा, जो आपके बनने से नहीं होगा, क्योंकि आप सरकार में नहीं होंगे, आप कुछ करेंगे ही नहीं पाएंगे। तो मुझे लगता है कि आजमगढ़ की जनता जितना उनको प्यार करती है, वो प्यार आजमगढ़ से नहीं करते हैं, वो सिर्फ यहाँ जीतने आते हैं, स्वार्थ में आते हैं और जीतने के बाद चले जाते हैं, ये बात जनता समझ चुकी है। और यही बात जो है जनता उनसे पूछेगी और जनता उनको हराएगी भी। चलिए सर, एक बात आती है, प्रधानमंत्री से आपने बात निकली, तो अभी भी हाल ही में शत्रुघ्न सिन्हा जी हैं जिन्हें अभी अभी
बीजेपी का दामन छोड़ कांग्रेस में गए हैं। और अभी अभी उनका बड़ा बयान आया है कि प्रधानमंत्री होना चाहिए तो मायावती और अखिलेश यादव जैसे होने चाहिए, जो कि एकदम जिनमें काबिलियत है और जिनमें काम करने की तत्परता है। सर, इस पर आप क्या कहेंगे? मुझे लगता है कि वो हमारे सीनियर कलाकार हैं, मैं उनको बहुत प्यार करता हूँ, मैं उनकी बहुत फिल्में देखा हूँ। लेकिन वो तो अपने प्रधानमंत्री अखिलेश यादव में ढूंढ रहे हैं। हाँ, देखिए वो ढूंढ रहे हैं, पर बात ये है कि क्या अखिलेश भैया खुद में ढूंढ रहे हैं? जब अखिलेश जी खुद ही कह रहे हैं कि वो नहीं प्रधानमंत्री बनेंगे, तो अब ऐसे आदमी में आप ढूंढ के क्या बताना चाहते हैं, क्या दिखाना चाहते हैं, क्या जताना चाहते हैं? जो आदमी प्रधानमंत्री की रेस में ही नहीं है, उस आदमी को आप ये कह रहे हैं कि हम उनको प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं? तो आप ऐसे ही सपना देखिए, आपको कहाँ कोई मना कर रहा है, देख सबको देखना चाहिए सपना। सर, अभी हाल ही में सुर्खियाँ बनी, आजम खान जी ने अभी अभी जयप्रदा जी को लेकर एक बहुत ही विवादित टिप्पणी की। सर, उसके बाद पहले तो अखिलेश यादव जी ने बचाव किया उनका, उसके बाद अब हाल ही में अभी डिंपल यादव का बयान आया, उन्होंने कहा है कि इन छोटी मोटी चीज़ों में नहीं पढ़ना चाहिए, असल मुद्दा यह है कि बीजेपी मुद्दों से भटका रही है। देखिए क्या है, जो अखिलेश यादव जी हैं वो तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, और कुछ लोग नाराज ना हो जाएं इसलिए वो जो भी डिसीजन लेते हैं ये ध्यान में रख के लेते हैं कि अगर मैं कुछ बोलूँगा तो ये नाराज हो जाएंगे, मैं कुछ बोलूँगा तो वो नाराज हो जाएंगे। तो वो आज़म खान साहब जैसे लोगों को खुश रखने के लिए एक कलाकार पे भद्दी टिप्पणी होती है और चुप रहते हैं, ऊपर से उसकी सफाई भी देते हैं, इससे पता चलता है कि वो कितने लाचार हैं। किसी भी इंसान को इतना लाचार नहीं होना चाहिए।